अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सच कड़वा है मगर बोलना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान के बदउद्वान इदारों में सर फहरिस्त पुलिस अदलिया का दूसरा नंबर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है पाकिस्तान में बदउनवान इदारों में कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट ये भी बताता है कि बदउनवान इदारों में सेहत का शोबा चौथे नंबर पर मौजूद है, लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन 5वें नंबर पर, लोकल गवर्नमेंट 6ठे नंबर पर, तालीम 7वें नंबर पर, टैक्सेशन 8वें नंबर पर मौजूद है, एनजीओस बदउनवानी में 9वें नंबर पर नंबर सामने आया है, और 51.9% लोग का ख्याल है कि कमजोर एहतसाब जो है वो बदउनवानी की वजह है, सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात भी नजर आती है। 29.3% लोगों की राय के मुताबिक करप्शन की वजह ताकतवर लोगों की लालच है। इसके साथ ही 18.8% लोगों का ख्याल है कम तनख्वाह भी बदउनवानी की बड़ी वजह है। इसके अलावा 85.6% शहरियों ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। सर्वे में शहरियों ने कहा है कि सख्त तरीन सजा याफ्ता करप्ट अफराद को अवामी ओहदों पर आने की मुकम्मल पाबंदी की जरूरत है। मकामी हुकूमतों का निजाम ना होने से भी करप्शन में इजाफा हुआ है। 92% पाकिस्तानियों की राय में गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में महंगाई और अशियाए खुदनोश की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में ना अहली, करप्शन और हुकूमती उमूर में मुदाखलत से महंगाई बढ़ी है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और ये इंतहाई जो इस वक्त के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन सारे सर्वे को देखते हुए नज़र आता है कि जो नए पाकिस्तान का नारा और दावा था वो कहीं धुंधला सा गया है, और उसके ऊपर कोई काम SH अब तक तो नज़र नहीं आता है, और जो इदारे हैं वो भी अपने कामों में सुस्त रवि की वजह से और नाअहली और नालायकी की वजह से इन नंबरों पर अच्छी पोजीशंस लेते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस सब पे बात करेंगे नाजरीन आज। इसके अलावा जी इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आज बात करेंगे, लेकिन खास तौर पे इस सिचुएशन पे बात करेंगे। और दूसरा ये भी कि वजीर आजम एक तरफ जहां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही, वहीं पे वजीर आजम इमरान खान साहब का आज का बयान इंतहाई अजीब सा और अहमकाना लगता है, और वो मुझे कहने पे मैं मजबूर हूँ ये बात, वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज भी महंगाई कम है। तो क्या वाकई ऐसा है कि जिस दिन खास तौर पे ये रिपोर्ट आई है आप उस दिन इस तरह की बात कर रहे हैं, सो क्या इट इज़ फेयर इनफ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ ना सिर्फ ये मामला है, एक तरफ एदाद शुमार आज कर्जे के हवाले से भी पाकिस्तान पर जो बैरूनी कर्ज हैं और जो अंदरूनी कर्ज हैं उस हवाले से भी मरकजी बैंक ने वो एदाद शुमार भी आज जारी कर दिए हैं, और पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 13,811 रुपए हो गया और अंदरूनी कर्ज 26,447 अरब रुपए पे बताया जा रहा है कि पहुंच चुका है, जो कि मरकजी बैंक कह रहा है। तो ये दो चीजें आज के दिन की बहुत इंतहाई अहम है। सियासी जो चीजें चल रही है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से आज बात करेंगे। बहुत ही आज जबरदस्त पैनल जी मेरे साथ मौजूद है होंगे, और आप उनको बहुत सारे उनमें से लोगों का अपने प्रोग्राम्स करते हुए भी दूसरे टीवी स्क्रीन पे भी देखते हैं। सबसे पहले जी मौजूद है स्टूडियो में मौजूद है फिजा शकील साहब हैं, सीनियर एंकर, सहाफी और तजियाकार हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फिजा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं बैरिस्टर फयाज सिमोर साहब हैं, माहिर कानून हैं सीनियर बहुत मशहूर, आप को भी मैं खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर फयाज सिमोर साहब। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अदनान हैदर साहब हैं, एंकर पर्सन है, अपना एक निजी टीवी चैनल पे अपना प्रोग्राम करते हैं, सहाफी हैं, उनको खुशामदीद कहूंगी, थैंक यू अदनान फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जैन अली ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफी हैं, एंकर पर्सन है, निजी टीवी चैनल पर अपना प्रोग्राम करते हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया जैन अली फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले फिजा आपकी तरफ आऊंगी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक पूरी पोल खोल कर रख दी है, और उसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं दीगर इदारे भी शामिल, जो कहते हैं ना कि क्राइम में वो भी इन्वॉल्व है सारे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नंबर ले रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं ऊपर से, तो फिर माशाल्लाह से कि क्या कारकर्दगी और क्या बात है, वो सारी खुलकर सामने आ गई है। जी बहुत शुक्रिया रिदा, अहम टॉपिक है, और जिस तरह हर साल ही तकरीबन
ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की नहीं, दीगर और इदारों की भी बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें शामिल किए जाते हैं जब इस तरह की रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं। इस पूरी रिपोर्ट पे तबसरा एक अगर लफ्ज में मैं ये करना चाहूँ तो मतलब ये निकलता है कि जनाब हम मिन हैसुल कौम ही शायद बदउनवान है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर हम एनजीओस को देख लें तो वहाँ पर करप्शन क्यों होनी चाहिए, हमें पता है कि वो करप्शन कैसे होती है, लेकिन कतः नज़र इस बात के टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर लुब्बे लुबाब इस बात का यही निकलता है कि हम रैंकिंग हमारी कहीं भी हो, हम किसी भी इदारे को ऊपर नीचे के नंबर दे दें, लेकिन हर इदारा बदउनवान ठहराया जा रहा है। उसकी मुझे एक वजह जो समझ आई वो ये है कि हमारा जो साइज ऑफ गवर्नमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप किसी भी मिनिस्टर को इस वक्त फ़ोन करें और उससे पूछें कि उसके मातहत चलने वाले इदारों को जरा उंगलियों पे गिन के बता दें, आई बेट वो नहीं बता पाएंगे। और आप उन इदारों में जाएं और पूछें कि वो काम क्या करते हैं तो वो सारा दिन चाय पीते हैं और मीटिंगें करते हैं, वो मीटिंग्स किसके साथ करते हैं ये वो बेहतर बता सकते हैं। तो जो साइज ऑफ गवर्नमेंट है उसको रिडक्शन की जरूरत है, और ये अक्रॉस है, ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी और आपकी सूबाई हुकूमतें भी। तो एक तो मुझे इसका ये फैक्टर नजर आता है कि जहाँ लोग ज्यादा हैं, इख्तियारात की भरमार है, डिस्क्रेशनरी पावर्स बहुत ज्यादा हैं, वहाँ कोई निज़ाम चाहे वो खुद एहतसाबी का हो या बैरूनी एहतसाब की बात कर लें आप, इन सब इदारों में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पाबंद करते हैं आपको कि आप एहतसाब के अमल को शफाफ रखें, लेकिन काम करेंगे तो एहतसाब की तरफ जाएंगे, काम ही अगर गलत करेंगे तो क्या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी। तो मुख्तसरन फिलहाल तो मैं यही बात करूंगी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स बैरिस्टर फयाज समोर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। माशाल्लाह से जाहिर सी बात है माहिर कानून है आप, लेकिन आपके इदारे से रिलेटेड भी जी सर फहरिस्त नंबर आए अदलिया का पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर जी बदउनवान इदारों में नाम शामिल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। मेरे ख्याल में इस ऑर्गेनाइजेशन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा, वो गलती ये है कि अदलिया को नंबर वन पे होना चाहिए था जो कि दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पुलिस जो है वो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन या इदारा कह लें वो अदलिया का है। जुडिशियल सिस्टम की सुपरवाइजिंग पोजीशन अदलिया के हाथ में है, जबकि पुलिस असिस्ट करती है अदलिया को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और क्राइम को इराडिकेट करने में। सही। अब अगर अदलिया बिल्कुल ठीक होगी तो पुलिस इटसेल्फ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी किसी एफर्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि अदलिया के अंदर करप्शन मौजूद है, यही सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस जो हमारी पुलिसिंग है वो भी ठीक नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो एक अपेरेंट सर्वे था वो तो कर दिया, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इस चीज को थोड़ा सा नाकाम रहे कि एक्चुअल नंबर वन जो है तो वो एक बड़ी ज्यादती होगी अदलिया के साथ, उनको नंबर वन पे होना चाहिए था जबकि पुलिस को सेकेंड नंबर पे होना चाहिए था। नहीं, जब देखे आप सिस्टम की बात करते हैं तो फिर तोहीन, फिर गर्दन कटने का डर, फिर किसी मफाद का ना मिलना, इस तरह की सारी चीजों को हमें बालाए ताक रख के बात करनी चाहिए। अदालत की तोहीन का मतलब ये तो नहीं है कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में इस तरह के व्यूज दें, रिपोर्ट्स जारी करें, तो फिर भी को तोहीन बाकी रहती है। तोहीन वहां होती है जहाँ इज्जत होती है, जहाँ एहतराम होता है। जब एहतराम भी रोन दिया गया, जब एहतराम के बारे में इस तरह की रिपोर्ट्स आ गई तो फिर तोहीन तुच्छे मानी खेज हो जाती है। और अगर बात मजीद करनी है तो मैं बताता हूँ कि उसका प्रॉब्लम ये है। जी जी बिल्कुल। उसमें एक बेसिक फॉल्ट ये कि जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो जुडिशियल सिस्टम, आपको पता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम में जो सबसे मेन पिलर है, हम बोलते हैं ना ट्राइकॉटमिक स्ट्रक्चर जो है रियासत का, स्टेट का, उसमें ये नंबर वन पिलर है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन नंबर वन पे आते हैं। ये वो इदारा है जो पार्लियामेंट के फैसलों को इधर से उधर कर सकता है, ये वो इदारा है जो वजीर आजम को घर भेज सकता है, ये वो इदारा है जो जुडिशियल रिव्यू में क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को, एक ग्रेड वन के सरकारी मुलाजिम से ले के सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट तक के ये ऑफिसर को अदलिया जो है वो क्वेश्चन कर सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिक्शन के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम्स है बेसिकली। वन, आपने सड़कें नहीं बना ली,
आपने बिल्डिंग्स नहीं बना ली, आपने पार्लियामेंट हाउस नया बना लिया, प्रेसिडेंट हाउस नया बना लिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक हो सकता उसको बेहतर कर लिया, आपने फौज A1 बना ली, एटम बम बना लिया, मिसाइल्स बना लिए, सब कुछ कर लिया। जो लॉ है आपका कानून, कानून एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है, जो समझ लें जिस तरह से कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, एक विंडोज है, इसी तरह से किसी रियासत को चलाने में लॉ जो है वो बेसिक टूल है। अगर आप अपने लॉ को अपडेट नहीं करेंगे तो आप किस तरह से रियासत को ठीक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं? तो लॉ आपके पास 200 साल 300 साल 150 साल पुराना है और आप 21वीं सदी में रियासत पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है, क्योंकि लॉ वो है जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का था, वो अंग्रेज का कानून था, यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए कानून साजी की गई थी। और हमारे यहाँ 90% वही कानून मौजूद है जिसके मुताबिक ये अदलिया काम कर रही है, तो फिर काम क्या होगा वो आपके सामने। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स अदनान हैदर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अदनान आवाज आ रही है आपको? अदनान आपको आवाज आ रही है? अच्छा, जैन की तरफ जाती हूँ। चलिए, जैन आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज। अच्छा जैन, आपकी तरफ आती हूँ। जैन, आप कैसे देखते हैं आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान में जो करप्शन गवर्नेंस से मुतालिक सारी पोल खोल के रख दी है? जी देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, एक इंटरनेशनल इदारे ने पाकिस्तान की गवर्नेंस के बारे में जो है वो एक आदाद शुमार दिए हैं। बींग अ पाकिस्तानी, बींग अ पब्लिक वॉइस, क्या हम सबको इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो बुरी तरह नाकाम हुई है गवर्नेंस के अंदर। देखिए, 2013 से लेकर 2018 तक जब इमरान खान साहब ओपोजिशन के अंदर थे तो हर जलसे के अंदर, आप उनके सैकड़ों जलसे उठा के देख लीजिए, उसके अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की जाती थी। और इक्तदार में आने के बाद जिस तरह पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स को निग्लेक्ट किया गया, अगर हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ये दो पहले पॉइंट्स उठाकर इस पर बात कर लीजिए, हम बिल्कुल इस वक्त जो है पीटीआई के मिनिस्टर जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को डिफेंड कर रहे हैं कि जनाब ऐसा मामला नहीं है, ये एक बैन अल-अक़वामी इदारा है, ये किसी और इदारों से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट्स बनाता है। मैं कहता हूं कि अगर वो इदारा ये रिपोर्ट ना भी मंजर आम पर लेकर आए, ये दादो शुमार हमारे सामने ना भी आए, तो क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं? पुलिस रिफॉर्म्स में या पुलिस को ठीक करने के लिए 3 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या काम किया है? देखिए, 2013 से 2018 तक जब खैबर पीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, नासिर दुरानी साहब वहां पर आईजी पंजाब से, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी वजह से पुलिस ने जितना केपीके के अंदर काम किया, उस काम की वजह से तहरीके इंसाफ की बड़ी वाह होती थी कि भी केपीके के अंदर पुलिस को ठीक कर दिया। 2018 के इंतखाबात में मुझे चूंकि मौका भी मिला, मैंने वहां जाकर कवर किया, तो लोग ये कहते थे कि पुलिस ठीक करने की वजह से हो सकता है कि तहरीके इंसाफ दोबारा 2018 में केपीके से जो है वो इंतखाबात जीते, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान साहब, उन्होंने इक्तदार में आने के बाद पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कुछ नहीं किया। एक पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया था, नासिर दुरानी साहब को उसकी सरबराही दी गई थी, उसके बाद उस कमीशन का क्या बना पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए कोई एक स्टेप भी? देखिए, ठीक है, बिल्कुल अदलिया की जिम्मेदारी है, अदलिया पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ये पहला स्टेप जो है ये हुकूमत को उठाना पड़ता है। हुकूमत जजेस को, रिटायर्ड जजेस को, वुकला को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाएगी तो ही निजाम ठीक हो जाएगा ना। अगर हम सिर्फ ये कहकर जान छुड़वा लें कि पाकिस्तान के इदारों के अंदर बहुत करप्शन है या पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है वो कॉलोनियल सिस्टम है, अंग्रेज का बनाया हुआ है, वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है अब वो बन गया, अंग्रेज ने बना दिया, लेकिन अब हमने इसको ठीक भी तो करना है ना, हुकूमत ने, रियासत ने इसको ठीक भी तो करना है। तो हुकूमत कब ये बेड़ा उठाएगी कि पाकिस्तान के इदारे जो यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं, जब ऐसे बैन अल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, अब देखिए ना, अगर अदलिया जैसे इदारे का तो बदनवान कहा जाएगा, अगर अदलिया जैसे इदारे को एक बैन अल-अक़वामी इदारा जो है वो बदनवान कहेगा तो पाकिस्तान के अंदर इदारों की हैसियत क्या रह जाएगी? और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो अदालतें हैं उनका निजाम हम सबके सामने, आप चले जाए छोटी कोर्ट के अंदर, आप ये वकील साहब बैठे हैं ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान में लोअर कोर्ट के अंदर जो केसेस की हालात है
वो किस कदर संगीन है। तो ये बिल्कुल ठीक है और इनको ठीक हुकूमत ने करना है और हुकूमत अभी तक तो नाकाम है, क्योंकि मुझे लगता है कि हुकूमत शायद अपने और बड़े मसाइल के अंदर घिरी हुई है और ये जो इदारों को ठीक करने का मामला है हुकूमत बहुत इनसे दूर है फिलहाल। ठीक है ठीक है, हुकूमत बहुत दूर है और यकीनी तौर पे गवर्नेंस के मामलात पे बेहतरी नहीं आई है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी मैं कंटिन्यू करती हूँ आप लोगों से, लेकिन मुझे चुके यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक लेना है, सो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, एक तरफ तो ये सारा मामला है और दूसरी तरफ नाजरीन जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है वहीं पे लोगों ने जिस तरह से अपने ख़ास तौर पे इस हवाले से राय जो दी है और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जी करप्शन में इजाफा ही हुआ है और सख्त सज़ाएँ नहीं मिल रही, लोगों का ये कहना है कि ना सख्त सज़ाओं का कोई अमल है ना कोई खुद एहतजाबी का अमल नज़र आता है और मकामी हुकूमतों का भी ना होने का एक ये भी करप्शन में इजाफे का मकसद है, प्लस लोग ये भी कहते हैं कि जी गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में बड़ी नाअहलियाँ हैं, करप्शन और हुकूमती उमूर में मुदाखलत से महंगाई बढ़ रही है। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपसे चाहूँगी कि फिज़ा इस पर भी थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस अगर आप अपना दे दें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि देखें ये वही बातें जो हम करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वो ढकी छुपी बातें नहीं है और दिस इज़ समथिंग नॉट न्यू और सरप्राइजिंग। आई थिंक ये बच्चे बच्चे को पता चल चुका है लेकिन हमारी जो हुकूमतें आती हैं जो हमारे लोग सिस्टम के बैठे हुए वो नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते कि जी होना क्या है, मैनेज किस तरह करना है, जबकि पता हर शख्स को होता है कि होना क्या और करना क्या है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मसला क्या है, अवाम जो बात कर रहे हैं अवाम की बरह रास्त शमूलियत ही नहीं है इस पूरे निज़ाम में। सही, अवाम अपनी तरफ से चीखते चिल्लाते रहे हैं, सिसक सिसक के मर जाएं, एड़ियां रगड़ लें, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? पूरा जो इस वक्त अभी समूर साहब से ब्रेक के दौरान ये बात हो रही थी कि अब आपका निज़ाम बचा नहीं है, आपका निज़ाम जमीन बोस हो चुका है, आपको बैठ के नेशनल लेवल पे शायद इंटरनेशनल लेवल पे ये बात तय करनी पड़ेगी कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि जिस जगह पे इस वक्त आप चल रहे हैं सिवाय तबाही के मुझे तो माजरत के साथ कुछ नजर नहीं आता, जबकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रही हूँ थ्रू आउट। जो आप ये बात कर रही है ना कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम नहीं है, ठीक है, अवामी नुमाइंदा ही नहीं है, सरकारी इदारों से आपको जूझना पड़ता है, ठीक है, हर काम के लिए आपको 2-4 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी जहाँ आपने इंसान बिठा दिया ना वहाँ आपने एक चलती फिरती करप्शन की मूर्ति बिठा दी। क्यों? कोई वजह होगी इस बात की। तो ये कैसा विशेष साइकिल और सर्कल बन चुका है, किसे अगर ब्रेक करना भी चाहे तो मुझे नहीं पता उसका सिरा कहाँ है। अवामी नुमाइंदों की आपने बात की, पॉलिटिशियंस की आपने बात की, वो जहां समझते हैं ना कि उनकी कन्वीनियंस को कोई चीज सूट करती है वहां तो वो रिफॉर्म्स लाने को भी तैयार होंगे। आप आज सुबह असेंबली में, कल असेंबली, सिंध असेंबली शुरू हो रही है, कल वहां पर मुराद में इजाफे का बिल तो लेकर आइए, चाहे वो हुकूमत लाए चाहे वो अपोजिशन लाए, यक जा होके यक जबान होके कहेंगे बिस्मिल्लाह सौ बिस्मिल्लाह, ठीक है। वजीर आजम कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हो रही, जाहिर है बनीगाला के अतराफ में किस जीदार की मजाल के वो कोई महंगी चीज बेचेगा, क्या उनकी बेगम निकल के दौरा करती है पूरे मुल्क में बाजारों का, उनको मालूम है कि किस चीज की कितनी प्राइस है। अच्छा गैस कराची में इस वक्त, कराची वालों को इस तरह की आदत शायद नहीं थी और पूरे पाकिस्तान में मतलब क्यों होगी, हम गैस का बिल दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, गैस क्या हर तरह की यूटिलिटी कहां जा रहा है, ना आपकी डेट सर्विसिंग हो रही है, ना आप बैलेंस आउट कर रहे हैं, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंपोर्ट आप कर रहे हैं इस नाम पे कि आप वैल्यू एडिशन करेंगे, ये सारी चीजें जो आप मंगा रहे हैं उसको प्रोसेस करके आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्या ऐसा हो रहा है? आप जरा बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स में जाके देखिए, जो वो गोरा जो चीज नहीं खरीद सकता ना अपने मुल्क में महंगी तरीन, वो आपको ये तमाम सुपरमार्केट्स में नजर आती है। कैसे आती है ये? क्या एलसीज खुलती हैं? क्या प्रॉपर इंपोर्ट होती है? नहीं जी। तो ये सोचना पड़ेगा जनाब, ये इमरान खान साहब को जो
जो इनको गलत इल्लतें लगी है ना उनसे थोड़ा फासला अख्तियार करना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। राइट जी जनाब, ठीक है, मैं मिस्टर फैयाज समर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये तो देखिए अदलिया का तो मामला है ही है, और ये पहली दफा नहीं है कि ये इस तरह की कोई रिपोर्ट आ रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दे रही है। हमें याद है पिछले आई रिमेम्बर जिस वक्त मैं मॉर्निंग न्यूज बेस्ड मॉर्निंग शो कर रही थी, मुझे उस वक्त याद है, आज से 3 साल पहले की बात है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी एक हेडलाइन लगती है कि जी बिचेज और रिचेज वाली जो कोर्ट्स हमारी हैं, और वो बड़ी मशहूर हेडलाइन थी, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नाराजगी का भी इजहार किया गया था यहाँ की तरफ से, अदलिया की तरफ से और सिस्टम की तरफ से। लेकिन डेफिनेट सी बात है जो हकायक होते हैं उन्हीं पे ही फैक्ट्स एंड फिगर्स पे लोग रिपोर्ट्स बना के देते हैं, कोई अपने तरफ से तो रिपोर्ट्स बना के नहीं देता। और जो ये बातें करते हैं कि जी बाहर से पैसा लेके या कहीं किसी के कहने पे कोई इस तरह की चीज, तो वो उसका उस फैक्टर को भी अगर शामिल कर ले इस सारे मामले में, तो वो 1%, 5%, 2, 3% इससे ज्यादा तो कोई नहीं रिपोर्ट चेंज कर सकता कि वो पूरी 100 out of 100% चेंज कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताहियां और गलतियां हैं सिस्टम के अंदर। और जुडिशियल रिफॉर्म्स की तो हम कब से सालों से सदियों से बात कर रहे हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है, कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात तो ये है कि इदारे लोगों से होते जो आप उनके ऊपर अंदर बिठाते हैं। हाँ जी। इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ रन नहीं करता, लोग उनको रन करते हैं, एक स्पिरिट होता है, और इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक हायरार्की होती है, एक हिस्ट्री होती है। लोग हमारे यहाँ फौज को बिलवास्ता या बिलावास्ता तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद फौज फिर भी एक मुनज़्जम इदारे के तौर पे मौजूद है। चाहे आप इल्ज़ाम लगा दें कि वो हुकूमत तक पे कब्जा कर लेते हैं, वजह क्या है? चूंकि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ मौजूद है, उन्होंने अपना सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम बना के रखा हुआ है। एक चीफ जो 10 साल हुकूमत पे कब्जा करके 10 आने वाले या 6 आने वाले या 3 आने वाले बाकी आर्मी चीफ्स का हक मार लेता, फिर भी फौज कोई ओपन क्राय नहीं करती, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखती है, कुर्बानी देती है। अदलिया में ऐसा नहीं है। अदलिया में चूंकि भर्ती का निजाम जो है वो बिल्कुल भी आप समझ लें कि वो लॉजिक से हट करके है। एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है जिसमें भर्ती का एक क्राइटेरिया है, उसके बाद हायर जुडिशरी, उस हायर जुडिशरी के अंदर भर्ती का कोई क्राइटेरिया नहीं। आपने कभी जिंदगी में सुना हो कि हाई कोर्ट का जज भर्ती करने के लिए किसी अखबार में कोई इश्तिहार दिया गया, कोई दरख्वास्तें तलब की गई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक नॉर्मल कोई टेक्नीशियन भर्ती करने के लिए, एक नर्सिंग टेक्नीशियन भर्ती करने के लिए भी उससे आप डिप्लोमा मांगते हैं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, कोई सनद है, वहां आपका लॉ इम्प्लीकेट हो रहा है, वहाँ बड़े रिजिड हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जहाँ स्टेट लेवल के स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को बिठाने की बात आती है तो वहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ना तो वहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अदलिया में चलाने वाला जो मेन सेगमेंट है वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है उसको रेगुलेट करना भी इमीडिएटली हाई कोर्ट का काम है। तो जब आप एक अच्छी हाई कोर्ट बनाएंगे तो आपको नीचे एक अच्छी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो अवेलेबल हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली कि जो इंडक्शन है वो इस तरह से है कि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं किसी भी तरह का। और क्योंकि डायरेक्ट एलिवेशन हाई कोर्ट में होती है तो उनको नीचे लोअर जुडिशरी के बारे में वो मालूमात होती नहीं कि जजेस के प्रॉब्लम क्या है, लिटिगेंट साइलिन के प्रॉब्लम क्या है, वकला के प्रॉब्लम क्या है। तो एक तरह से वो बिल्कुल सारी जिंदगी ना बलद रहते हैं मेजर पोर्शन जो है अदलिया का उसके बारे में। जबकि उसके मुतजाद अगर आप फौज को देख लें तो जो अफसर सेकंड ल्यूट भर्ती होगा वही पूरी फौज के प्रोसेस में से गुजर के और वो आर्मी चीफ बनेगा। उसको सीट पे बैठ के नीचे अपने बटमैन तक के लाइफस्टाइल का, उसके प्रॉब्लम्स का पता हुआ, इसीलिए उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो बड़ा प्रॉपर होता है। हमारे इस चीज का फुकदान है। तो जरूरत इस चीज की है कि आप जो रिक्वायरमेंट है, आपको पता है इस्लामिक शरिया के अंदर भी काजी के लिए एक रिक्वायरमेंट है, इसी तरह से इंग्लिश सिस्टम के अंदर भी प्रिंसिपल
प्रिंसिपल सेटल्ड है बरतानवी अदालतों के, हमारी अपनी अदालतों के जज के लिए कुछ क्वालिटीज होती है 5-7, जिसमें चीदा चीदा और मोटी मोटी है कि जज को सबसे तो पहले उसका आईक्यू अच्छा होना चाहिए, उसका विजडम लेवल एक होना चाहिए कि वो चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके, ना कि 4 साल फैसला सुनाने में लगा दे। इस चीज का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जब आप जज को भर्ती करते हैं। लाइकवाइज जज को बोल्ड होना चाहिए क्योंकि वो शहरी की दरख्वास्त या शिकायत सुनता है रियासत के खिलाफ। तो अगर जज के अंदर इतना हौसला ही नहीं है कि वो रियासत के खिलाफ शहरी को एक बोल्ड फैसला दे सके, तो फिर यकीनी तौर पे वो करप्शन, अकरवा परवरी और बाकी सारे मसाइल का शिकार हो जाता है। तो जब तक आप बेसिक क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे, कोई जुडिशियल सिस्टम के तहत कोई लॉ नहीं बनाएंगे इंडक्शन के लिए, तो ये चीजें आप किसी तरह से चलती रहेंगी। ठीक है, जैन आपकी तरफ आऊंगी। जैन, ये तो हमने देखा है कि जी नंबर 1, 2, 3 करके, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं, सेहत की शोभा चौथे नंबर पर है। सेहत जो कि इंतहाई अहम मामला है, उसको भी बहुत ही ज्यादा हमने निग्लेक्ट करके रखा हुआ है और बहुत ज्यादा उसमें भी बदउनवानियां और करप्शन का फैक्टर हमारा नजर आ रहा है। फिर नए पाकिस्तान में सब सोचते थे कि जी जब नई पॉलिसीज बनेंगी तो शायद 360 एंगल डिग्री एक शिफ्ट आ जाएगा पॉलिसीज का और बहुत बेहतर निजाम हमें नजर आ रहा होगा। क्या वही पुराने निजाम को हम देख रहे हैं कि उसी की लेगेसी चल रही है, निजाम नहीं बदला, सिर्फ शक्लें बदल कर आ गई हैं? जैन, आवाज आ रही है आपको? जैन, आप सुन सकते हैं हमें? जी जी जैन। अच्छा, जैन से शायद की आवाज हमें नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी कि उनसे दोबारा रापता हो जाए तो फिर उनसे मैं बात करती हूँ। जैन, आवाज आपको आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल जी। जैन, मैंने सवाल आपसे जो कहता, जी मैंने बिल्कुल आपका सवाल सुना। देखिए, 2013 में जब इमरान खान साहब अपने ओपोजिशन जमात को लीड कर रहे थे और एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, पोलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पर जाने जा रहे थे, तो आई एम श्योर आपकी भी उनसे कई मुलाकातें हुई होंगी, हमारी भी, क्योंकि कई सहाफी उनसे मिलते थे। उस टाइम जो इमरान खान साहब हुकूमत का नक्शा खींचते थे ना, मैं चाहता हूं कि वो आपके नाज़रीन को जरूर बताया जाए, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था, हेल्थ को लेकर पीएमएलएन की गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि मेरे पास ऐसी टीम है, मैं ऐसे माइंड लेकर आऊंगा जो इन इदारों को चलाएंगे। पहले तो उनका ख्याल ये होता था कि हम कोई इतनी लंबी चौड़ी अपनी कैबिनेट नहीं बनाएंगे, इतने लंबे चौड़े मिनिस्टर्स नहीं होंगे, ऐसे लाइक माइंडेड लोग होंगे जो इन इदारों को ठीक करेंगे। इमरान खान साहब की गुफ्तगू के अंदर जो सर फहरिस्त इदारा होता था वो पुलिस था, उसके बाद वो एजुकेशन को कहते थे, फिर वो हेल्थ कहते थे कि मैं हेल्थ को ऐसे ठीक करूंगा कि मैं बाहर से जो प्रोफेशनल्स हैं, दुनिया भर के जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, उनको पाकिस्तान लेकर आऊंगा। मुझे याद है कि लाहौर में इमरान खान साहब ने 2014 के अंदर जब लॉन्ग मार्च करना था तो उससे पहले उनकी कुछ एंकर से मुलाकात हुई, मैं भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद था। इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं जो है वो 100 प्रोफेशनल्स लेकर आऊंगा जो हेल्थ और एजुकेशन को चलाएंगे, वो प्रोफेशनल जो है वो दुनिया के माने जाने प्रोफेशनलिस्ट होंगे और वो आकर पाकिस्तान के इदारों को ठीक करेंगे। उस टाइम ये बातें लगती थी कि शायद पाकिस्तान तहरीके साफ हुकूमत में आने के बाद वाकई ऐसे लोगों को लेकर आएगी जो पाकिस्तान के इदारों को ठीक करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई एक ऐसा प्रोफेशनल बाहर से नहीं आया पाकिस्तान के इदारों को ठीक करने के लिए। आप पंजाब की, क्योंकि आप कराची में बैठी हुई हैं, मैं आपको पंजाब की सूरत हाल बता सकता हूं कि पंजाब के अंदर हेल्थ सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं। अभी पंजाब में डेंगू जो वायरस है उसने तबाही मचाई हुई है, वो डेंगू वायरस जिसको आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के डॉक्टर्स ट्रेन करने गए थे श्रीलंका के डॉक्टर्स को, यानी इतने अच्छे लेवल पर जाकर पाकिस्तान ने जो है वो डेंगू को कंट्रोल किया था, लेकिन अगेन उसके महज 5 साल बाद इस टाइम पंजाब की ये सिचुएशन है कि डेंगू के पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है। मैं किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि जनाब उनकी रिपोर्ट आ गई तो हम शायद उससे इनकार कर लें या इकरार कर लें। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें खुद पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हेल्थ सिचुएशन क्या है। हमने यहाँ पर COVID-19 ठीक है, बड़ा अच्छा एक फेडरल लेवल की पॉलिसी थी, फिर कुछ कहा जाता है कि पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत था, लेकिन जो दीगर मसाइल हैं इस वक्त लाहौर के अंदर जो है वो हर तीसरा पेशेंट जो है
वो डेंगू से मुतासिर हो रहा है, हर घर के अंदर कोई ना कोई डेंगू का पेशेंट है, तो इस पर हुकूमत ने कोई काम ही नहीं किया ना। इस पर हुकूमत ने जो है वो हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो इदारे जिनका डायरेक्ट ताल्लुक मेरे और आपसे है, हुकूमत ने उसके लिए कोई काम नहीं किया। पहले बड़े ख्वाब सुनाए जाते थे, लेकिन इक्तदार में आने के बाद वजीर आजम समेत उनकी काबीना की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। देखिए, इदारे जो हैं उनको हुकूमत ने ठीक कर रहा है, मैंने पहले भी एक बात कही थी, अब मैंने और आपने सिर्फ बात करनी है। जब इस ये कोई भी हुकूमत होगी वो जब तक स्टेप नहीं लेगी इदारों को ठीक करने का, तब तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, तब तक ऐसे ही बैनुल अक्वामी इदारे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लिखते रहेंगे, आदादो शुमार आते रहेंगे। आप सदर्न पंजाब में अगर कभी आपने ट्रेवल किया हो या नॉर्दर्न पंजाब में ट्रेवल किया, तो आपको वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर जो हेल्थ सिस्टम है, वहां के 8-8 घंटे ट्रेवल करके मरीज जो है वो लाहौर या फैसलाबाद या मुल्तान या इस्लामाबाद अस्पतालों में जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो तहसील सतह पर जो है वो अस्पतालों के निजाम की इतनी बुरी हालत है कि वो इंसान कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वहां पर जाकर अपना इलाज करवाए। तो ये हर शख्स जो है वो इमरान खान साहब की तकरीर सुनकर, उनकी जो टीवी टॉक शो सुनकर जो मुतासिर हुए थे कि शायद वाकई पाकिस्तान के इदारों के हालात ठीक हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान के इदारों के बारे में कोई पहली ये रिपोर्ट नहीं आई, और आई एम श्योर कोई आखिरी रिपोर्ट भी ऐसी नहीं होगी जिसमें पाकिस्तान के इदारों को क्रिटिसाइज किया गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि और ऐसी कितनी रिपोर्ट्स आएंगी, कभी कोई ऐसी रिपोर्ट भी आएगी कि पाकिस्तान के जो फलाही इदारे हैं जिसमें हेल्थ है, जिसमें एजुकेशन, इनका ताल्लुक आम आवाम से, वो बहुत अच्छे हो गए हैं, वो बहुत ठीक हो गए हैं? ऐसी रिपोर्ट्स भी तो आनी चाहिए, ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी जब तक हुकूमत कोई काम नहीं करेगी, जब तक हुकूमत नहीं डिलीवर करेगी। ठीक है जैन, मैं फिजा आपकी तरफ आती हूँ, डेफिनेटली बात है, मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाना है। स्टेट बैंक के मुताबिक आज पाकिस्तान पर जो मजबूरी कर्ज के हवाले से बात की गई है, अक्टूबर में 40,269 अरब रुपए बताया गया है कि हो गया है, और बैरूनी कर्ज भी हमारा ठीक ठाक हो गया है। हम जब फिगर्स पूछते हुकूमत से तो हुकूमत कहती है जी हमने खसारा कम कर दिया है, डेफिसिट कम हो चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट को देखे हमने कैसे मेंटेन किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लेकिन मेंटेन नहीं है। अभी स्टेट बैंक बता रहा है कि जी आपके ऊपर बैरूनी और अंदरूनी कराइज जो है वो कर्जे जो है वो कितने बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह सिर्फ में जा रहे हैं मईशत को लेके। मईशत आपकी रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी ही नहीं होगी मुल्क में तो आप कैसे चलाएंगे इकोनॉमी? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो बात जहन ने की थी ना उसमें बिल्कुल वो सही निशानदेही कर रहे थे। अच्छा, एनजीओ सॉरी हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा बेहतर शायद इंडेक्स में इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत अमल दखल है। बहुत सारी एनजीओज ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हुए कि थोड़ा सा बर्डन जो है हुकूमत का वो हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर ने भी उठाया हुआ है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो चार्ज कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फलाही तौर पर ये काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे इदारे हैं फलाही तौर पर जो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी। अच्छा, तो अगर आगे बढ़ते हैं और आपकी बात पर आते हैं, हाँ जी। रिदा, अभी जिस तरह हमारे भाई कह रहे थे जैन के, इन्होंने हमें ख्वाब दिखाया था कि जी हमारे पास तो जायंट्स की टीम है। वो जायंट्स की टीम पिछले दौर में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो, और ये मैं बात आपके शायद प्रोग्राम में पहले भी कर चुकी हूँ, जी बिल्कुल, क्या उन जायंट्स ने जो वर्किंग कमिटीज होती है, स्टैंडिंग कमिटीज होती है सेनेट की भी और आपके यहाँ नेशनल असेंबली की भी, उसमें हमें कोई उन्होंने कारकर्दगी ऐसी दिखाई थी? नहीं दिखाई थी। अगर हम ये कहें कि ये नाअहल इसलिए साबित हो रहे हैं कि इनको तो कोई तजुर्बा नहीं है, तो भाई पिछली पार्लियामेंट में भी तो इनको 5 साल का तजुर्बा था, इनकी याददाश्त किधर खो गई अचानक? हाँ जी, हुकूमत में आके। हाँ, आखिरी नुकता वो उसी को ही तो बेस बना बना के कहते थे कि जी हमारी हम 22 साल की जिद्दोजहद है और ये है और तो वो जिद्दोजहद बैठ के, अगर आप कागज पेंसिल लेके टेबल पे बैठते और जिद्दोजहद आप अपनी कहीं छपवाते, शोर मचाते, सिवाय धरना देके और स्टेज पे चढ़ के नाच गाना ना करते, तो शायद हुकूमत का यह हाल ना होता। दूसरा एक रवैया जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, हर चीज को डिनाई करना। Exactly. All are in denial mode. The government is in denial mode, right? भाई क्या हम दुश्मन है क्या आपके? ठीक है, द गवर्नमेंट इज इन डिनाइल मोड। ठीक है, मैं मिनिस्टर फयाज समूर साहब आपकी तरफ आती हूँ, बस आपसे वन लास्ट कमेंट इसी पे लेना चाहूंगी। ये जो दादो शुमार कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसकी ये जो टेक्निकलिटीज है खासतौर पे लीगल इम्प्लीकेशंस जो है स्टेट बैंक की, वो कैसी है और सो फार उसमें भी कहाँ कहाँ अब तक हुकूमत जो है वो झूठ बोलती हुई नजर आ रही है? मेरी जहाँ तक रिसर्च है अपने तालीम के सिलसिले के दौरान, ये जो डिजिट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, ये फेक होते हैं, ये फैब्रिकेटेड होते हैं, ये मैनिपुलेटेड होते हैं। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फ्रॉड और स्कैम चल रहा है पूरी दुनिया में,
ये एक बहुत बड़ा कॉमेंट और बहुत बड़ा सवाल है, शायद मैं खुद छोटा पड़ जाऊं उसके सामने। जो हमारे यहाँ फॉरेक्स स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 170 होगा, किस तरह से होगा, क्यों होगा, क्या आज तक किसी हुकूमत ने इंटरनेशनल फोरम्स जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनसे ये बात की है कि ये आप किस तरह से सेटअप्स करते हैं? राइट, मोटा मोटा ये है जी कि आपके पास जितना रिजर्व्स होंगे, रिजर्व्स का आपका स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड। आप मुझे बताएं, चाइना डिफॉल्ट कर जाता है, चाइना का गोल्ड आप किसको बेचेंगे, कौन लेगा दुनिया में? यूएसए इटसेल्फ, जस्ट एज अ हाइपोथेसिस, यूएसए डिफॉल्ट कर जाता है, उसके रिजर्व जो गोल्ड के हैं पूरी वर्ल्ड में कौन खरीदेगा? जिसकी हाईएस्ट करेंसी है पूरी दुनिया में वो कंट्री डिफॉल्ट करता है। लेट्स सपोज किसी भी वजह से कर सकता, आप उसको बम्बार्डमेंट कर देते हो, किसी जंगी सिचुएशन में आ जाता है, किसी भी कंडीशन से वो डिफॉल्ट करता है, तो उसके गोल्ड को आप सेल कहाँ करोगे? तो ये जो बेसिक स्टैंडर्ड है जो स्टेट बैंक, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के स्टेट बैंक इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको शील्ड करते हैं, उसके अगेंस्ट में बात नहीं करते हैं। और यहां तक कि उन्हीं की पॉलिसीज के मुताबिक वो स्टैंडर्ड्स फेक डिजिट्स के ऊपर रिवाइज होते हैं। आप स्टेटमेंट के इंटरनल शीट्स निकाल के देख ले, आपको पता चल जाएगा कि आपके एसेट्स क्या है, आपके रिजर्व्स क्या है, आपके फॉरेक्स स्टैंडर्ड्स क्या है और क्या चीजें चल रही है। ये हमारे सामने नहीं आती है, लेमैन के सामने, इसी वजह से हम उसका शिकार है और हम उसमें कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और दूसरी बात, लास्ट मैं फिर अपनी बात को रिवाइज करता हूँ, एक हेल्थ टेक्नीशियन के लिए आप उससे एक डिप्लोमा मांगते हैं, एक पॉलिटिशियन के लिए क्या किसी डिग्री और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है? हम क्यों खामोश हैं इसके ऊपर? ठीक है ना, एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस आपके पास एक सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली मतलब अफसोस की और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि उसका जो एक क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट था वो भी अब तक एक्सक्लूड कर दिया है ना। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस की कोई डिग्री होना चाहिए। और वजीर आजम आपने बगैर नर्सिंग डिप्लोमा मांगते हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको सर्टिफिकेशन ही नहीं मांगते, कहें जी आप लोगों के सर काउंट करके, हेड काउंट करके और आप आ जाओ और आप आके बैठ जाओ, तो नहीं डिलीवर हो पाएगा, नहीं होगा। जब तक टेक्निकली एक्सपर्टाइज आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, पॉसिबल नहीं। स्मूथ जैन आपकी तरफ आऊंगी, वन लास्ट कमेंट आपसे इसी पे ही, इदाद और शुमार के हवाले से बहुत अच्छा ब्रीफली बताया बैरिस्टर फयाज अमोर साहब ने भी और फिजा तो बात कर रही है, हाउ डू यू सी इट? बैरिस्टर साहब से भी और फिजा से भी कि ये जो इरादो शुमार आए हैं इसके बाद भी अब हमें आगे बढ़ना है, हमें होश के नाखून लेने हैं। लास्ट कमेंट मेरी तरफ से तो यही है कि हुकूमत अगर अब कुछ नहीं कर सकती, तीन साढ़े तीन साल गुजरने के बावजूद भी, चूंकि अगला साल तो चौथा साल कहा जाता है इलेक्शन ईयर होता है, उसमें जो इलेक्शन की तैयारियां होंगी और पिछले तीन साल की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो उसमें सिर्फ ये जलसे जुलूस करते हुए हमें नजर आएंगे। पाकिस्तान का कोई एक इदारा ये अवाम में लेकर नहीं जाएंगे कि इस इदारे को हमने ठीक कर दिया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि लोगों की बड़ी हाई होप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और अगर वो हाई होप जो है वो खत्म होती हैं, वो डीमोरलाइज होती हैं, तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, जो कि किसी सूरत नहीं होना चाहिए। खैर अब देखते हैं आगे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या जो नई पार्टी जो भी इक्तदार में आती है वो पाकिस्तान के इदारों को कितना ठीक करने के लिए संजीदा होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन अली आपका, बैरिस्टर फयाज समोर आपका, फिजा शकील साहिबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, चाहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के जो हकाइक है उसकी बात करें या फिर पाकिस्तानी निज़ाम के इंटरनली अपनी बात करें, ये सारा जो है वो ज़मीर का मामला है। आप किसी भी इदारे में मौजूद हैं, किसी भी जगह मौजूद हैं, अगर आप बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे सच्चे और खरे तरीके से, तो यकीनी तौर पर आपने इस दुनिया में भी भुगतना है और ऊपर जाकर भी जवाब तो देना ही देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ें नहीं सोचते समझते और कंटिन्यू रखते हैं इसी बात से। जी, हम आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, अपनी मेज़बान दसफी को दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।